दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और इस बार भी आम आदमी पार्टी सत्ता वापसी दर्ज करने में सफल रही है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी 55 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है और भाजपा भी पहले के मुकाबले थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर रही है। परंतु जिस चीज पर लोगों का ध्यान कम गया है वह ये कि केजरीवाल के खास माने जाने वाले आम आदमी पार्टी के नेता एवं पूर्ववर्ती सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज से भाजपा प्रत्याशी रविंदर सिंह नेगी से कड़ी टक्कर मिलना। इससे स्पष्ट है कि मनीष सिसोदिया को इस बार अरविंद केजरीवाल ने सत्ता की जद्दोजहद में कहीं ना कहीं पीछे छोड़ ही दिया है। यह सभी को पता है कि आम आदमी पार्टी का चेहरा हमेशा से केजरीवाल रहे हैं। वे इस पार्टी के बनने के बाद से ही इस पार्टी के सुप्रीमो बने हुए हैं। हालांकि केजरीवाल ने कभी भी आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में उस तरह की प्रमुख भूमिका नहीं निभाई। अपनी सरकार के कार्यकाल के अधिकतम समय के लिए वह बिना पोर्टफोलियो के मुख्यमंत्री रहे, जो उनका सुप्रीमो होना नहीं दर्शाता है। ठीक इसी दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकतर समय प्रमुख पोर्टफोलियो को संभाला और यहां तक कि जमीनी स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अपनी पकड़ भी बनाए रखी। उन्होंने कई विभाग जैसे कि वित्त, योजना, पर्यटन, भूमि एवं भवन, महिला एवं बाल, कला, संस्कृति और भाषाएं और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मंत्रालय को अपने पास रखा है। इतना ही नहीं, कई अहम मोर्चे, चाहे वो शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शन हो या फिर CAA और NRC का विरोध ही क्यों ना हो, केजरीवाल से ज्यादा चर्चा में मनीष सिसोदिया रहे हैं। मनीष सिसोदिया इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान के समय से ही अरविंद केजरीवाल के साथ थे। जब 2012 के आसपास आम आदमी पार्टी का सृजन हुआ तब मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी के प्रमुख संस्थापकों में से एक थे। इसीलिए जब आम आदमी पार्टी की 2013 में पहली बार सरकार बनी तो मनीष सिसोदिया को शिक्षा, PWD समेत 4 अहम मंत्रालय सौंपे गए। परंतु ये सरकार 49 दिन बाद ही गिर गई और 2015 में जब आम आदमी पार्टी 67 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ वापस आई तो मनीष सिसोदिया को उनके पुराने मंत्रालयों के साथ साथ उप मुख्यमंत्री का पदभार भी दिया गया। सिसोदिया ने पार्टी में नंबर 2 के स्थान पर रहते हुए भी अपना कद केजरीवाल से ऊपर बनाए रखा। आपके लिए वे शासन मॉडल का चेहरा बनकर उभरे हैं जिसे आज वह ये पार्टी प्रचारित कर चुनाव जीतने में कामयाब रही है। सिसोदिया के शांत व्यक्तित्व की तुलना में केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरे हैं जिन्होंने PM मोदी के बारे में काफी भद्दी टिप्पणियां की है और EVM में छेड़छाड़ से लेकर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने तक केजरीवाल ने नैतिकता की बलि चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे बाद में उनकी छवि नकारात्मक ही रही। परंतु वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए एक बात तो स्पष्ट है कि अब मनीष सिसोदिया केजरीवाल के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि पहले हुआ करते थे। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण है जिन पर प्रकाश डालना अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। अधिकतर मोर्चों पर विफल रहने वाली आम आदमी पार्टी शिक्षा में किए गए सुधारों के आधार पर चुनाव लड़ रही थी। यूं कहें तो आम आदमी पार्टी का सारा अभियान मनीष सिसोदिया द्वारा किए गए शैक्षणिक सुधारों के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, जिसका फायदा भी उन्हें हाल के चुनावों में मिला था। परंतु जिस तरह से चुनाव के अंतिम पड़ाव पर अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया से मुंह मोड़ना शुरू किया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि अरविंद केजरीवाल ऐसे किसी भी व्यक्ति को आगे नहीं आने देंगे जो उनके लिए बाद में खतरा बने। आम आदमी पार्टी में अगर कोई नेता बेहतर काम करता है और यदि उसे केजरीवाल से ज्यादा महत्व मिलने लगता है तो अरविंद केजरीवाल उसे दरकिनार करना शुरू कर देते हैं। यही नहीं, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने में भी अरविंद केजरीवाल नहीं चूकते। चाहे वो योगेंद्र यादव हो, कुमार विश्वास हो, प्रशांत भूषण हो, आशुतोष गुप्ता हो और कपिल मिश्रा जैसे नेताओं का उदाहरण तो आप देख ही चुके हैं। इनमें से जिसने भी केजरीवाल की नीतियों के खिलाफ बयान दिया है या आवाज उठाई है या फिर पार्टी में किसी नेता को ज्यादा महत्व मिला है, उन्हें पार्टी से बाहर का ही रास्ता दिखाया गया है। ऐसे ही कुछ अब मनीष सिसोदिया के मामले में भी देखने को मिल रहा है, जहां सिसोदिया की पार्टी में जड़ें मजबूत हो रही हैं। जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ केजरीवाल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। योजना बनाना और इसे लागू करने के तरीके में भी मनीष सिसोदिया केजरीवाल से काफी बेहतर है। फिर भी वो अक्सर इसके लिए केजरीवाल को क्रेडिट देते हुए नजर आ जाते थे, परंतु राजनीति में पद की महत्वाकांक्षा ना हो ऐसा क्या हो सकता है भला। कहीं ना कहीं अब सिसोदिया के मन में भी होगा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। यदि ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि केजरीवाल का कुर्सी से लगाव उन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा होगा। मतलब यह है कि सिसोदिया अब जीते या हारे वो बाद की बात है।
परंतु इतना तो पक्का है कि वे अब केजरीवाल के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं जितना वो पहले हुआ करते थे। ऐसे में यदि केजरीवाल उन्हें उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दे तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए।